हे फ्रेंड, वेलकम टू पूजू स्टाइल जोन। सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को प्रेस कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहे। हाय गाइस, वेलकम टू पूजू स्टाइल जोन। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो आज अभी बज रहे हैं 5:05 होल का टाइम। तो दोस्तों, इवनिंग का टाइम है, बट बाहर भी धूप है, बट क्या करें, जाना तो है। तो आज छुट्टी है, तो छुट्टी का फायदा उठाना ही है। तो दोस्तों, चलते हैं मेरे साथ एक नए सफर में। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अच्छे अच्छे कमेंट, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ये सब कर लीजिएगा। अभी चलते हैं नए सफर की ओर। मैं अभी चलती, फिर आपको मिलूंगी एक नए सफर में। तब तक हम जा रहे हैं गड़बड़ हो गया, फिर से बात करो। तो दोस्तों, आज कोई जेन्युइन रिव्यू कुछ नहीं हो रहा है, आज सिर्फ एक ब्लॉग बन रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइटिंग इतनी आ रही है, और अभी बजे हैं आपके तो 11:00 हो रहा है। आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, सॉरी, देखिए 11:00 हो रहा है। तो आज बस आज ऐसे ही ब्लॉग बनाने का मन था, तो सोचा कि ब्लॉग बना लूं। आज छुट्टी है, आज 1 मई है और वेडनेसडे है, तो आज सभी को छुट्टियां, लेबर डे है, आज छुट्टी है। तो आज हस्बैंड जी भी घर में है, तो सभी को, सभी काम करते, मेहनत करते हैं, तो हैप्पी लेबर डे यार, सबको एक दिन की छुट्टी तो बनती है। तो इसी के साथ हमने सोचा कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, तो कुछ चीज़ अच्छी चीज़ हम भी देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे साथ साथ। तो दोस्तों, अभी बाहर की धूप हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ऐसे ही बने हुए, कुछ नहीं किया, पूरा घर का काम ऐसे सारा पड़ा हुआ है, वो निपटाना फटाफट। तो फिर उसके बाद दिन की तैयारी, हम निकलेंगे शाम को, हम निकलेंगे ताकि कि सारा घर का अच्छे से काम करके फिर हम निकलते हैं। चलो, मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। एक्चुअली बहुत गर्मी है यहाँ पे गुड़गांव में, दिल्ली ये सब जगह बहुत गर्मी रहती है, बाकी जगह भी, बट यहाँ पे भी काफी गर्मी। अभी बज रहा है 5:10 हो गए हैं, और हमें लेट हो गया एक्चुअली। और तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, बट अभी मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ। अभी मैं ये रेडी हुई हूँ, ये मैंने आउटफिट पहना है। एक्चुअली आपने ये ड्रेस मेरी इससे पहले वाली वीडियो में भी देखी होगी, बट क्या करूँ टिकाऊ है, चलना, कोई बात नहीं, चलता है यार। अब इतने अमीर भी नहीं है कि रोज नए नए ड्रेसेस पहन सके, बट अभी मैंने कुर्ती पहनी क्योंकि कॉटन की कुर्ती है और काफी अच्छी है। और आप अभी मैं आपको पूरा कैसे दिखाऊंगी, ये देखिए, आप ऐसे देख लीजिए, तो बहुत अच्छी है। और अभी हम चलते हैं मुरथल की ओर को, तो गुड़गांव से लगेगा टाइम। चलो, मैं बात करते करते, आइए बंद कर लीजिए। तो चलते हैं मुरथल की ओर को, और गुड़गांव से लगेगा आई थिंक 1.5-2 घंटे का रास्ता है, और फिर वहीं चल के मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे क्या क्या मस्ती। और मैं आपको चीज और मिला दूं, मैं आपको अपने बेटे से मिला देती हूँ। तो आयुष्मान कम, एक मिनट, मैं आपको अपने बेटे से मिलाती हूँ। तो आयुष्मान, ये देखिए मेरा बेटा है आयुष्मान, और मेरी सिस्टर, एंड ये हस्बैंड जी, इनकी ओर को धूप आ रही है, तो पीछे से हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। तो ओके, अब हम चल रहे हैं, मैं आपको मिलती हूँ, मैं आपको रास्ते में मिलूंगी। हम पहुंच गए सुखदेव ढावा पहुंच गए हम। तो मुरथल में हम अभी हैं, देन अभी मैं आपको, आप देख रहे हैं अभी गाड़ी पार्क की हुई है, एंड
इशू, या इशू ये ना सुखदेव ढाबा, सुखदेव अमरिक सुखदेव ढाबा। तो अभी एंटर करेंगे अंदर अमरिक सुखदेव ढाबा में, तो मैं आपको आगे का पोर्शन दिखाती हूँ। सुखदेव ढाबा, अमृत सुखदेव ढाबा। तो आप देख सकते हैं कि क्राउड क्रॉसिंग है, अभी हम अंदर बैठे हुए हैं, आवाज थोड़ी सी आ रही थी तो सॉरी। और अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, और अपने में से अभी सुन, अच्छा तो पनीर पराठा और दही लोगे साथ में? हाँ, दही दही साथ में, क्या दही? ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चॉइसेस है। सॉरी मेरा, एक प्लेट ले लें जो कम पड़ जाएगी, मंगाऊंगा एक प्लेट। और बोलिए, चाय लोगे साथ में? नहीं, चाय चाय लोगे साथ में? चाय। तो इसमें इंडियन स्नैक, तंदूरी स्नैक्स, और इसमें आपको साउथ इंडियन वगैरह सब मिलेगा। हाय गाइस, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, दुपहर पार्टी पहुँच गई है, बहुत भूख लगी है भाई। तीन घंटे लगे यहाँ पे ना, तीन घंटे लगे गुड़गांव में। घंटा कुछ एस्टिमेट दिए थे, बट यहाँ पहुँचते स्टार्टेड एट 5 राइट, अभी 8 बजे हम यहाँ पर बजे पहुंचे हैं। इतनी भूख लगी है, कुछ हम सीधे हम खाने को ही पूछ रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे, जब आप आओ तो यहाँ पे पराठे बहुत फेमस है ना। हाँ, मुर्थल के तो पराठे ही फेमस है पूरा दिल्ली, या इनफैक्ट आसपास NCR लोकेशन से जो मुर्थल में स्पेशली पराठे खाने के लिए आते हैं, उसमें भी सबसे जो फेमस है वो पराठे। पूरा मुर्थल एरिया में चलन स्टार्ट किया है वो पराठे। वो पराठे फेमस है, सुखदेव ढाबा फेमस है, जैसे आगे ढाबा फेमस है। यहाँ पे पंजाबी पहलवान का ढाबा है, वो बड़ा फेमस है। तो दोस्तों एक मिनट, अगर आप यहाँ आएंगे, गरम गरम है वो बड़ा फेमस है। गरम गरम तो आपको पता ही होगा, मोस्टली आओगे। मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये है, नाम बोलिए एक बार क्या है ये अपना, अमरिक सुखदेव। मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, अमरिक सुखदेव ढाबा। जो लोग यहाँ पहले आए होंगे उनकी याद ताजा हो गई होगी। तो अभी हमने पराठे ऑर्डर किया है, तो लेकिन देखते हैं कैसा है क्या है। फिर मैं रिव्यू नहीं, ये ब्लॉग में पराठे लोगों ने हमने ओनियन का किया है और दूसरा पनीर किया है और मिक्स किया है, तीन पराठे किए हैं। अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे एक्चुअली जो ये फेमस क्यों है, इसमें बहुत सारी कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं सुखदेव की जो डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी, जो डिफरेंट है मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको एक बार चेकआउट करा देती हूँ, आप देख लीजिए। तो गाइज, फर्स्टली जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग के लिए जो ऑयल यूज होता है वो देसी घी और पीनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों ऑयलों में से ही बनाया जाता है। सेकेंड, आप देख लीजिए जो फूड है वो, जो जिसमें बनाए जाते हैं, कुक किए जाते हैं, वो ब्रास के बर्तन यूज किए जाते हैं। थर्ड इसमें है कि जो ये परौठा और जो ये रोटी है, ये होल व्हीट फ्लोर की बनी जाती है, केवल आटे की बनी जाती है, कोई मैदा वैदा इसमें यूज नहीं होता है। और फोर्थ देखिए, वी कुक विद RO फिल्टर वाटर ऑनली। तो ये इसमें जो पानी यूज होता है तो ये RO का पानी यूज होता है। एंड जो सबसे लास्ट है, फिफ्थ में, ये है, इसमें सेंधा नमक यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपका डाइटिंग का भी, जो डाइटिंग वाले हैं वो, उनका भी काफी ध्यान रखा गया है। बट ये है परौठे के लिए फेमस, आप यहाँ पे और भी चीज खा सकते हैं, ये मुझे काफी पसंद आया। अब देखते हैं खाना कैसा है, तो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो गाइज, आप देखिए,
ये है नोनी घी है, इसको नोनी घी बोलते हैं और आप देखिए तो ये नोनी घी बेसिकली ये है ना जो हम लोग घर में बटर बनाते हैं, ये वो बटर है एज कम्पेयर टू हम लोग बाहर का जो बटर लेते हैं, अमूल का लेते हैं या और भी किसी कंपनी का लेते हैं, येलोइश होता है, ये घर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये घर में बना हुआ बटर है, आपको फुल घर की याद आएगी। एक बार आप यहाँ पे जरूर आइए, जरूर विजिट कीजिए, आपको काफी मजा आएगा। अब तब तक मैं खाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने मंगाई है लस्सी चॉकलेट फ्लेवर की, बहुत ही बकवास हो रही है। कभी आप भी मेरी तरह गलती मत करना, चॉकलेट का नाम मैं खुश मत हो जाना। एक्चुअली जो ये फ्लेवर है लस्सी का फ्लेवर ही ठीक रहता है, तो बट ये चॉकलेट वाली जो लस्सी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। बट क्या करूँ, पैसे लगे पीना तो पड़ेगा। मसाज होती है, फुट मसाज भी होती है एंड पूरी बॉडी की फुल मसाज होती है। तो मैं आपको एक बार चेकआउट करा दूँ, ये क्या दिख रहा है यार। तो कोई एक मिनट में बैक कैम देखो, ये अभी इसमें बैठ गए हैं। एक्चुअली ये बढ़िया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट है 150 रुपीज का। यहाँ पे आप आए तो आप ऐसा नहीं कर, आपको फुल बॉडी की मसाज नहीं करानी है तो आप ओनली फुट मसाज भी करा सकते हैं। ये भी 15 मिनट का होगा और इसमें लिखा है 99 रुपीज पर, भैया बोलते हैं 100 रुपीज का। तो यहाँ पे आप आए अपनी थकान मिटाएं। तो ये देखिए इस तरीके से पैर क्लोज हो रहे हैं। ओके चलो ठीक है, आप मसाज लो। ये भाई साहब भी अपनी फुट मसाज कराने को रेडी है। कैसा लगा तो ये तो बता दो। एक मिनट देखिए, चलो फिर अब हम चल रहे हैं बाय। तो गाइस अब हम घर को जा रहे हैं, अभी कितने बज गए, 10 बज गए। तो गाइस 10:30 बज गए और अभी हम यहीं पे हैं। तो अब हमें पता नहीं कितना टाइम लगा, आई थिंक 11:30-12 तक या 12 ही तक हम पहुंचेंगे। तो आई थिंक काफी अच्छा लगा, तो आप भी एक बार यहाँ पे विजिट कीजिएगा। और अब चलिए घर को चलते हैं दोस्तों, घर को मिलते हैं बाय। और मेरा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आज का, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना और इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
दोस्तों मैंने तो पराठा खा लिया है, मेरा पेट भर चुका है, बट मैं कुछ पीने में मंगाना चाह रही हूँ। और ये भाई साहब देखिए खा रहे हैं अभी। एक्चुअली इन्होंने ना दो पराठे लिए दो, बट इनका पेट भी फुल ऑन भर चुका है। कैसा लगा आपको, कैसा लगा? अच्छा लगा, टोटली फुल। तो हम दोनों का पेट भर चुका है। इधर आपका भी पेट भर चुका है, मस्त लगा। सबकी प्लेट खाली हो चुकी है और अब मैं कुछ पीने का सोच रही हूँ। तो यार यहाँ पे चॉकलेट, एक चॉकलेट लस्सी है, एंड देन देखो चॉकलेट लस्सी कैसी होती है, सोचो उसे पीने की, देखते हैं।